हेलो फ्रेंड्स, क्या आप केमिकल वाला हेयर डाई या हेयर कलर लगाते हैं? अगर आप लगाते हैं तो आज ही से उसे छोड़ दीजिए और मेरे बताए तरीके से हिना हेयर डाई लगाइए, जो कि नेचुरल है, आपके बालों में कोई भी नुकसान नहीं करेगी और ऑरेंज कलर भी नहीं आएगा, जिसकी वजह से बहुत से लोग मेहंदी लगाना छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। एक गिलास पानी डाल देंगे एक बर्तन में और गैस ऑन कर देंगे। अब इसमें मैंने दो चाय पत्ती के पाउच डाल दिए हैं। आप ऐसे भी चाय पत्ती डाल सकते हैं, मैंने टी बैग्स डाल दिए, मेरे पास रखे थे तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें मैंने एक चम्मच कॉफ़ी का डाल दिया है। ये 4 से 5 गुड़हल के फूल हैं, हिबिस्कस फ्लावर, वो भी ऐड कर दिए हैं। सूखी नीम की पत्तियां भी ऐड कर दी हैं, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। ये करी लीव्स भी इसमें ऐड कर दिए हैं। ये सभी चीजें हमारे बालों को काला रंग देने में हेल्प करती हैं और बालों की सभी समस्याओं को भी दूर करती हैं, बालों को लंबा करने में, घना करने में और मजबूत बनाने में भी हेल्प करती हैं। इससे इन सब चीज़ों से बाल काले होते हैं। नीम में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो कि हमारे स्कैल्प को बहुत सी प्रॉब्लम्स से, जैसे कि उसमें इचिंग, खुजली और जुओं की समस्याओं से भी बचाते हैं। तो नीम तो बहुत अच्छा है, इसको तो आप हर बार मेहंदी में उसका पानी ज़रूर डालिए। नीम के पत्तों को बॉयल करके उसका पानी मेहंदी में और बालों में, वैसे भी आप नीम के पानी से वॉश करिए, ये आपके बालों को हेल्दी रखते हैं। और करी पत्ते में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के होता है, जो कि हमारे बालों की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक चम्मच मेथी दाना भी इसमें ऐड कर देंगे। मेथी दाने के बारे में तो आप जानते ही हैं कि मेथी दाना हमारे बालों की लंबाई और घना करने में और बालों को काला रखने में बहुत हेल्प करता है और बालों को सॉफ्ट बनाने में और ग्लोइंग बनाने में बहुत हेल्प करता है। इससे बालों की चमक बहुत बढ़ जाती है। इस पानी को उबलने देंगे बिल्कुल सिम पर। तब तक हम लोग मेहंदी में क्या क्या डालना है हिना मेहंदी में वो देख लेते हैं। मेहंदी घोलने के लिए एक लोहे का मैंने बोल ले लिया है और कोशिश करें कि मेहंदी को लोहे के बोल में ही घोलें, जिससे कि उस बालों को काला रखने में हेल्प मिलती है। अभी मैंने अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग मेहंदी ले ली है। मैंने इसमें 4 चम्मच के करीब मेहंदी ली है। आप कोई भी मेहंदी ले सकते हैं, मैंने नूपुर की ली है। आप कोई भी एनी जो कि जिसमें आर्टिफिशियल कलर ना हो, नेचुरल कलर हो या नेचुरल चीज़ें ही, नेचुरल ही मेहंदी हो, उसमें कोई केमिकल ना हो, ऐसी मेहंदी आप ले लीजिए। अब इस मेहंदी में मैंने 2 चम्मच जटामांसी पाउडर भी ऐड कर दिया। जटामांसी पाउडर हमारे बालों को काला करने में बहुत हेल्प करता है। और उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच ही आंवला पाउडर भी डाल दिया है। आंवला पाउडर भी हमारे बालों के लिए बहुत हेल्पफुल है, बालों को काला बनाए रखने में हेल्प करता है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच भृंगराज पाउडर ले लिया है। भृंगराज भी हमारे बालों को काला रखने में हेल्प करेगा। ये पानी अच्छे से बॉयल हो गया है, अब हम गैस बंद कर देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें। गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि इसको गर्म पानी से मेहंदी नहीं घोली जाती, तो इसको अभी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये गुनगुना हो जाएगा तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तब तक इसको हम छान लेंगे। अब इस पानी को हम छान लेंगे। यह बहुत पावरफुल वाटर बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा बनाकर आप किसी स्प्रे बॉटल में डालकर रख सकते हैं,
तो आप इसको अपने बालों में, स्कैल्प में स्प्रे कर सकते हैं या फिर कॉटन से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके बालों को काला, घना और लंबा बनाने में हेल्प करेगा। अभी तो हम इसे हिना कलर के लिए यूज़ करेंगे। अब ये मेहंदी को मैंने ऐसे मिक्स कर लिया है और अब इस पानी से, ये पानी ठंडा हो गया है, अब इसको हम मेहंदी को घोल लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे। जैसा आपको अच्छा लगता हो उस तरीके से उतना ही थिक आप पेस्ट बना लीजिए। बस ऐसा रहे कि बालों से बहने ना लग जाए। अभी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है जिससे कि बालों में कलर अच्छा आएगा, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। इसे घोलकर मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था। आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं या 6 से 7 घंटे भी रख सकते हैं। मुझे लगानी थी जल्दी, इसलिए मैंने इसको 2 घंटे ही भिगो के रखा है। अब उसके बाद मैंने इंडिगो पाउडर ले लिया है, इंडिगो पाउडर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप अपने बालों के कलर के हिसाब से इंडिगो पाउडर डालिए। अगर आपके बाल ब्लैक हैं तो आप इंडिगो पाउडर मेहंदी के बराबर डालिए, अगर ब्राउन हैं तो इंडिगो पाउडर आप मेहंदी का आधा डालिए। मैंने 4 चम्मच मेहंदी में 2 चम्मच इंडिगो पाउडर डाला है और उसी पानी से, जिस पानी से मेहंदी को घोला था वही पानी और डालकर मैंने इसको घोल लिया है। इसको अच्छी तरह से घोलकर पेस्ट बना देंगे। इंडिगो पाउडर से बालों को डार्क कलर मिलने में हेल्प करता है। ये जो मेहंदी का कलर ऑरेंज आता है वो इंडिगो पाउडर डालने से ब्राउनिश ब्लैक हो जाता है। कई लोग मेहंदी इस वजह से भी नहीं लगाते कि इसमें ऑरेंज कलर आता है, लेकिन ये नेचुरल डाई है इसलिए हमें केमिकल वाली डाई को छोड़कर हिना हेयर डाई को ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल डाई है। इससे बालों को कोई भी नुकसान नहीं है सिवाय इसके कि ये थोड़ी ड्राई होती है। लेकिन मेहंदी लगाने के बाद आप कुछ ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं कि जिसके बाद आपके मेहंदी में कलर तो आएगा ही और ड्राइनेस भी दूर हो जाएगी। आप मेहंदी में भी कुछ चीज़ें ऐसी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। मैं सरसों का तेल आज नहीं ऐड करूंगी, मैं कुछ और अच्छे इंग्रेडिएंट और भी ऐड करूंगी आज, क्योंकि मैं सरसों का तेल पहले ऐड करके लगा चुकी हूं और आपको ये वीडियो भी दिखा चुकी हूं। तो मैं देखिए इसमें आज क्या ऐड करती हूं, इसलिए स्किप ना करें, पूरा देखें। 2 चम्मच एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। ये मार्केट से लाया हुआ एलोवेरा जेल है, आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी हिना मेहंदी ड्राई नहीं हो, हिना मेहंदी लगाने के बाद बाल ड्राई नहीं होंगे और कलर बहुत अच्छा आएगा, ड्राइनेस को ये दूर करेगा। आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, मैंने इसमें आज मार्केट वाला एलोवेरा जेल डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अपने बालों को पार्टीशन करके पूरे एक छोटे छोटे पार्टीशन करके अपने पूरे बालों में लगाइए, स्कैल्प से लेके पूरी एंड्स तक। आप इसको अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए, कोशिश करिए 3 से 4 घंटे तक लगा रहे। शावर कैप पहन लीजिए जिससे कि मेहंदी सूखे नहीं, और उसके बाद आप अपने बालों में नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए, बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए, प्लेन वाटर से। गर्म पानी से ना वॉश करें, सादे पानी से वॉश करें। और आप इसको अगले दिन पूरी रात ऑयलिंग करिए अपने बालों में, उसके बाद नेक्स्ट डे आप शैम्पू कीजिए। अगर आप पूरी रात भी ना भी ऑयलिंग करना चाहें तो आप 1 घंटा तो ज़रूर ऑयलिंग करें मेहंदी लगाने के बाद, और मेहंदी लगाने के बाद कभी भी तुरंत शैम्पू ना करें, 1 दिन छोड़कर तब शैम्पू करें, क्योंकि 1 दिन पूरा लगता है मेहंदी को अपना कलर रिलीज करने में, या मेहंदी का कलर डार्क होने में 1 दिन पूरा लगता है। आपके बालों में मेहंदी का रंग 1 दिन पूरा चढ़ता रहता है, उसके बाद आप
नेक्स्ट डे शैम्पू करें। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।